हाय गाइस, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो बने रहे हमारे वीडियोस में। तो गाइस, आप सभी को जैसा पता है कि हर एक शहर में, हर एक जगह पे गाय को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उनको कुछ ना कुछ बीमारी चल रहा है, और कितने सारे गाय आपने देखे हो कि गुजर चुके हैं। तो मैं हिमाचल आई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो गाय है उन लोगों को भी बीमारी हुआ है। तो आप घबराए नहीं, और क्या कैसे इसका हल है, क्या है, मैं आपको पूरे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो आप हमारे वीडियो में बने रहे। तो देखिए गाइज, ये हमारी गाय है, ये तो सही है, इसको बाय गॉड ग्रेस इसको कुछ हुआ नहीं है। ये हमारे जो काव है हिमाचल का, और इसका गोड है ये, और यहाँ का मालकिन ये है। तो ये सैनिटाइज करता है हमेशा, क्योंकि इस टाइम में जितना काव को, जो गाय होता है, जितना सैनिटाइज रखोगे उतना ये सुरक्षित रहेगा। तो मेरी जो सासू माँ है वो क्लीन एंड क्लीन सब कुछ रखता है, और डेटॉल से इसको अच्छे से सैनिटाइज करता है, नहलाते हैं अच्छे से। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर को एक छोटा सा काव है, और उसका मम्मी है जिनको जो बीमारी हुआ है, जो आप पता है सभी जगह पे हो रहा है। तो इनके शरीर में ना जैसे छोटे छोटे डॉट हो गया है, और फिर उस डॉट से फिर वो घाव बढ़ रहा है, और सारे शरीर में ऐसे घाव पूरा फैल रहा है। और इसकी वजह से जड़ी बूटी का कुछ इनका मिश्रण होता है जो उन्होंने लगाया है गाय के शरीर में, आप देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। तो इनको क्या है कि इनको उठने में बैठने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो डॉक्टर भी आ रहा है और इसको इंजेक्शन दे रहा है इस काव को। बहुत दिन से ये इंजेक्शन लगा रहा है, और आपको पता है इंजेक्शन लगाने से भी शरीर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है। तो घबराए नहीं, हमारे भी काव था, उनको भी कभी प्रॉब्लम होता है, मगर ये है कि ठीक है अभी बेचारी। तो यही था हमारा गाइस, आपको मैंने दिखाया काव और काव का हाउस, और यहाँ पे सब बातें कर रहे थे गांव में, तो इसीलिए मैंने शूट नहीं किया, थोड़ा सा ही आपको दिखाया जो आप देख सकते हो। यहाँ पे खाना खाते हैं, और ऐसे सब जगह पे हो रहे, तो आप घबराए नहीं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये अभी गाय के अंदर वायरल चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इसके वजह से आप काव का दूध ना पिए, ऐसा कुछ बात नहीं है, काव का दूध अब अच्छे से पी सकते हो। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरी मम्मी ने बहुत सारी दवाई रखा है, जिसके वजह से मतलब वो सैनिटाइज वगैरह करता है, आप देख सकते हो यहाँ पे सैनिटाइज़र है, और डिसइंफेक्टेड क्रीम जो सॉल्यूशन है, ये सब है, जिससे वो हमेशा साफ़ सुथरा रखता है गाय को, क्योंकि एक साथ ही रहता है अगल बगल। तो यही था हमारा वीडियो गाइस, ये हिमाचल का छोटा सा क्लिप आपको दिखाया, जहाँ पे सब जगह पे ऐसे बीमारी फैल रहा है, मगर आप घबराए नहीं और सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। और मैं सबसे कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल में आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, ध्यान रखिए।